प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा कि जब हम नक्शों की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे पहली बात जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए वो है दिशा, और दिशा के साथ साथ दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है कि हमें कितनी दूर जाना है, किसको प्रदर्शित करना है, और यदि दूरी हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसके लिए पैमाना भी जरूरी है। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नक्शे में हम जिन स्थान को, जिन जगहों को, जिस चीज को दिखाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास संकेत भी जरूर हो। तो ये तीन बातें हैं, और इन तीनों में से हम सबसे पहले दिशा की बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी जो प्रमुख दिशाएं होती हैं, मूल दिशाएं होती हैं, वो चार होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हम सब ये भी जानते हैं कि जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है उसे पूर्व की दिशा मानी जाती है, और यदि हमको पूर्व दिशा एक यदि मालूम हो जाए या कोई भी एक दिशा मालूम हो जाए तो हम बाकी तीन दिशाओं को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां आप देखिएगा, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसका मुंह उगते हुए सूर्य की तरफ है, तो उगते हुए सूर्य की तरफ यदि व्यक्ति देख रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के सामने की दिशा पूर्व दिशा है और इस व्यक्ति के पीछे की दिशा इसके लिए पश्चिम की दिशा है। जी हाँ, जिस तरफ आप बैठे हुए हैं तो वो इस व्यक्ति के लिए पश्चिम की दिशा है, और इसके दाहिने हाथ तरफ की जो दिशा है वो दक्षिण की दिशा होगी इसके लिए, और इसके बाएं हाथ तरफ की जो दिशा होगी वो इसके लिए उत्तर की दिशा होगी। आपने चारों दिशाओं को देख लिया और उनके नाम भी आपने जान लिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन एक खास बात है, जब हम इन दिशाओं की बात कर रहे थे तब हम जमीन पर खड़ी हुई स्थिति में बात कर रहे थे, लेकिन जब हम नक्शे की बात करते हैं और नक्शे जब दीवार पर टंगे हो तो वहां हमें दिशाओं का निर्धारण करना पड़ता है। इसके लिए सभी ने यह माना कि जब कोई नक्शा दीवार पर टंगा हुआ है तो ऊपर की दिशा को हम उत्तर की दिशा मानेंगे और उसके आधार पर बाकी दिशाओं का निर्धारण करेंगे। तो इन चारों दिशाओं को हम नक्शे में कैसे प्रदर्शित करते हैं आप यहां पर देखेंगे। ये देखिए, ये दो प्रमुख दिशाएं हैं, तो इस रेखा को आप देखेंगे तो कहेंगे ये वाली जो दिशा है उत्तर की दिशा है, ये वाली दिशा दक्षिण की दिशा है, और इधर जो दिशा होगी वो पूर्व की दिशा होगी, और इस तरफ जो होगी वो पश्चिम की दिशा होगी। तो ये तो चार मुख्य दिशाओं को आपने प्रदर्शित किया। एक बार फिर से मैं दोहराऊं, ये उत्तर की दिशा, ये दक्षिण की दिशा, ये पूर्व की दिशा और ये पश्चिम की दिशा। इन दिशाओं के मध्य को यदि हम दिखाना चाहें तो उन्हें भी हम प्रदर्शित करते हैं और इन्हें हम उप दिशाएं कहते हैं। मान लीजिए एक रेखा हमने इस तरह से खींची जो ठीक इनके बीच से जा रही है, इनमें से किसी के साथ भी 45 अंश का कोण बनाते हुए, और एक और रेखा है जो इनमें से किसी भी एक रेखा के साथ 45 अंश का कोण बनाते हुए जा रही है, ये उप दिशाओं को प्रदर्शित करती है। और इन उप दिशाओं का भी नामकरण किया जा सकता है। इनका जब हम नामकरण करते हैं तो हालांकि जो हिंदू संस्कृति है वहां पर इनके अलग चार चार नाम दिए हुए हैं जिन्हें हम ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य कहते हैं, लेकिन नक्शों में इन्हें हम इन मूल दिशाओं के नामों से संबंधित करके बनाते हैं। जैसे देखिए, आपने देखा ये उत्तर की दिशा है और ये पूर्व की दिशा है, तो इस दिशा को हम कहेंगे उत्तर पूर्व की दिशा, और ये जो दिशा होगी जो पूर्व और दक्षिण के बीच है इसका हम नामकरण करते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। इसकी तरफ देखिए, ये जो दिशा है वो आप देख रहे हैं कि ये दक्षिण और पश्चिम के बीच है, तो इसका नामकरण होगा दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा के बारे में आप सोचिए क्या होगा, ये जो दिशा है वो पश्चिम और उत्तर के बीच है, तो इस दिशा का नाम होगा उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से इन चार उप दिशाओं का भी हमने नामकरण किया। इस नामकरण पर यदि आप गौर करें तो आप पाएंगे कि जब हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बीच की दिशाओं को नाम लेते हैं तो हर बार नाम में या तो उत्तर पहले आता है या दक्षिण पहले आता है। जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो ये चार दिशाएं और चार उप दिशाएं हुई और आपने इनका नामकरण भी सीख लिया। अब आप कल्पना करिए, इन आठों दिशाओं के बीच में भी कुछ रेखाएं खींची जाएं तो हमें आठ उप दिशाएं और मिलेंगी, और इनका नामकरण कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है। इसे आप गौर से देखिए,
आप समझ जाएंगे कि इनमें एक पैटर्न है नामकरण में, और उसे भी आप पहचान लें तो आपको नाम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम यहां देखते हैं, आपने जाना कि ये उत्तर दिशा है और ये जो बीच की उप दिशा है इसे आपने उत्तर उत्तर पूर्व कहा। तो इसके बीच जो दिशा है जो उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में है, तो इसमें हम मूल दिशा का नाम पहले लेंगे और उप दिशा का नाम बाद में लेंगे। तो ये जो उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच रेखा जा रही है वो प्रदर्शित करेगी उत्तर उत्तर पूर्व दिशा को। अब आगे आइए हम इस दिशा की बात करें, जो पूर्व और उत्तर पूर्व के ठीक बीच में जा रही है इसका नामकरण होगा। तो पहले आप मूल दिशा को बोलेंगे, यानी पहले आप बोलेंगे पूर्व और उसके बाद बोलेंगे आप उत्तर पूर्व। तो इस बीच की दिशा का नाम होगा पूर्व उत्तर पूर्व। और आगे बढ़िए, ये पूर्व है और ये वाली दिशा का नामकरण आपने किया है दक्षिण पूर्व। तो ये जो इनके बीच की दिशा होगी वो होगी पूर्व दक्षिण पूर्व। और आगे आइए इस दिशा के बारे में बात करिए, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व के ठीक बीच में है, तो इस दिशा का नाम होगा दक्षिण दक्षिण पूर्व। ठीक इसी तरह से इन दिशाओं का भी हम नामकरण करेंगे, आप इसे बहुत आसानी से देख सकते हैं, ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो इस बीच की दिशा का नाम होगा दक्षिण दक्षिण पश्चिम। इस दिशा के नाम के बारे में सोचिए, ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के बीच में है, तो इसका आप नाम लिखेंगे पश्चिम दक्षिण पश्चिम। इधर आ जाइए, यहां पर ये उत्तर है और ये पश्चिम है, और ये आपने इसको उत्तर पश्चिम कहा, तो उत्तर पश्चिम के और पश्चिम के बीच की दिशा का नाम होगा पश्चिम उत्तर पश्चिम, और इस दिशा का नाम होगा उत्तर उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से हम इन दिशाओं का नामकरण करते हैं। थोड़ी सी कोशिश करने के बाद आप इस पैटर्न को पहचान जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से इनके नाम को बता सकेंगे। तो आपने देखा कि इस तरह से दिशाओं और उप दिशाओं को हम मिलाएं तो 16 उप दिशाएं और दिशाएं हमें मिलती हैं, जिनकी मदद से हम किसी नक्शे में किसी स्थान को, किसी विशेष स्थान के संदर्भ में बता सकते हैं कि कोई स्थान कहां पर स्थित है। ठीक है, हम इसके आगे इस बात को और बहुत अलग तरीके से देखेंगे।